हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज का खास वीडियो उन लोगों के लिए है जिनका यूट्यूब पे चैनल है और चैनल है वो ग्रो नहीं कर रहा है। तो आप गूगल एड के जरिए अपने यूट्यूब चैनल को प्रमोट कर सकते हैं। कैसे, तो आज के इस वीडियो में हम लोग यही जानने वाले हैं। यह सब जानने के लिए वीडियो को वो अंत तक देखें। हेलो दोस्तों, मैं सत्यपाल शर्मा टेक्निकल दोस्त इंडिया के चैनल में आपका फिर से स्वागत करता हूँ। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए वीडियो वो शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आप गूगल एड पर एड देके अपने यूट्यूब चैनल को है वो ग्रो करवा सकते हो। सब्सक्राइबर बढ़ाने के साथ साथ है वो व्यूज़ भी बढ़ा सकते हो, वो भी कम पैसों में ज़्यादा व्यूज़ कैसे बढ़ाएंगे। तो आज के इस वीडियो में मैं यही सब बात करने वाला हूँ। मैं आपको बताने वाला हूँ गूगल एड से आप यूट्यूब पर एड कैसे दोगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी डालनी है फर्स्ट वाले के अंदर। उसके बाद आपको आई एम नॉट रोबोट पर क्लिक करना है, और जैसे ही आप रोबोट पर क्लिक करोगे फिर गेट ऑफर पे कर देना है, गेट ऑफर कोड पे। जैसे इस पे आप क्लिक करोगे तो क्लिक करने के बाद में आपकी ईमेल आईडी पर एक कोड जाएगा और वो कोड आपको कॉपी करना है। और जैसे ही आप 2000 का कैंपेन एड है वो स्टार्ट कर दोगे तो 2000 आपको वो कैशबैक मिलेगा, जिससे 2000 से आप जस्ट वापस है वही फ्री में एड है वो दे सकते हो। तो अभी ये ऑफर चल रहा है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं कि यूट्यूब पे आप लोग है वो एड कैसे दोगे। तो स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। सबसे पहले आपको अपने चैनल के यूट्यूब स्टूडियो को ऑन करना है। जैसे आप अपने चैनल के यूट्यूब स्टूडियो को ऑन करोगे तब वीडियो के अंदर आना है, वीडियो पे क्लिक करोगे। उसके बाद आपको यहाँ पे 3 डॉट नज़र आ रहे होंगे, ये देखिए ऑप्शन वाले इधर 3 डॉट में ऑप्शन में। तो यहाँ पे आप करके यहाँ पे एक आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है प्रमोट, तो यहाँ से भी आप है वो प्रमोट कर सकते हो। लेकिन मैं यहाँ से आपके YouTube चैनल को प्रमोट करने का सजेशन है वो बिल्कुल नहीं दूंगा, क्योंकि यहाँ से यदि आप अपने YouTube चैनल को प्रमोट करते हो तो सब कुछ Google के हाथ में होता है, हम अपने हिसाब से कुछ भी सेट नहीं कर सकते। लेकिन मैं आपको Google Ads के बारे में बताऊंगा जहाँ पे जाके हम लोग अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं कि हमें इतने पैसों में इतने व्यूज चाहिए। यदि गूगल दे सकता है तो दे, नहीं देगा तो यदि कम है तो थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा, यदि बढ़ा दिया है और एड चल रहे हैं तो थोड़ा कम कर देंगे, जिससे हमें क्या है कम पैसों में वो ज़्यादा एड मिल सके या हम कम पैसों में ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकें, इससे आपका चैनल है वो काफ़ी ग्रो करेगा। तो चलिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। सबसे फर्स्ट में देखो, मैंने एक वीडियो पे एड लगाया था, मेरे 1000 रुपये का एड लगाया था, जिसमें मुझे एड पर एड का जो पैसा है वो कितना पे करना पड़ा, पर एड का मुझे 18 पैसे हैं वो पे करना पड़ा। रेटिंग मुझे क्या मिली वो आपके सामने है, रेटिंग यहाँ पे आप देख रहे हो कि रेटिंग मुझे क्या मिल रही है यहाँ पे, और यहाँ पे आप देख रहे हो कि मुझे कितने जो है व्यूज़ मिले इस वीडियो पे, और इंप्रेशन है वो कितने हैं वो आपके सामने हैं। तो स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा कि क्या कुछ करना है। अभी भी ये मेरा वीडियो है वो चल रहा है एड के लिए, मैंने एड है वो राजस्थान के लिए दिया था और बीकानेर के लिए। तो अब आपको बताऊंगा कि आप लोग है वो एड कैसे दोगे। तो वैसे ही आप जैसे मैंने आईडी लॉगिन की, वैसे सिंपली आप लोग भी आईडी है वो सबसे फर्स्ट में लॉगिन कर लोगे। उसके बाद आपको न्यू कैंपेन पे वो क्लिक करना है, तो मैं यहाँ पे न्यू कैंपेन पे क्लिक कर देता हूँ। तो ये खुल गया न्यू कैंपेन, तो अपने यहाँ पे क्रिएट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, ये मैंने क्लिक कर दिया। अब आप यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन देख रहे होंगे, सर्च वाले में ऑप्शन देख रहे होंगे, यहाँ पे देखिए डिस्प्ले वाले में ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा, तो डिस्प्ले से कर सकते हो आप ऐड। शॉपिंग वाले ऑप्शन पे आप देख रहे हो, यहाँ से भी आप ऐड कर सकते हो, और वीडियो ऐड है वो भी यहाँ पे आप कर सकते हो। और यदि आपका कोई ऐप लॉन्च किया हुआ है तो ऐप का भी आप लिंक वगैरह देके यहाँ पे ऐड कर सकते हो, और कुछ स्मार्ट वगैरह है, और यहाँ पे है डिस्कवरी वाले में। तो हमें ऐड देना है वीडियो पे, तो मैं वीडियो पे वो क्लिक करूँगा। जैसे मैंने वीडियो पे क्लिक कर दिया तो आप देख रहे होंगे फर्स्ट वाले ऑप्शन के अंदर है, मैंने वो क्लिक किया है, तो आपको भी फर्स्ट वाले ऑप्शन पे आपको भी क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ से वो कंटिन्यू कर देना है। खुल रहा है, देखते हैं खुलने के बाद क्या होता है। ये लीजिए, अब यहाँ पे कैंपेन नाम है, आप इसको कुछ भी नाम दे सकते हो, जो आपको अच्छा लगे कैंपेन नाम है, जो आप देना चाहो वो यहाँ पे कैंपेन नाम है वो दे सकते हो। तो चलिए मैं कैंपेन नाम देता हूँ, इस वीडियो पे आता हूँ, और का जो वीडियो का टाइटल है वो कॉपी कर लेता हूँ, और यहाँ पे इस कैंपेन को यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो ये मैंने इसको कैंपेन नाम है वो दे दिया। तो ऐसे आप कैंपेन नाम है वो कुछ भी दे सकते हो, ताकि आपको याद रहे कि हम लोगों ने ये वीडियो है वो यहाँ पे इस समय स्टार्ट किया था, या ये कैंपेन हमने स्टार्ट किया था एड के लिए। ठीक है, फिर आपको यहाँ पे मिनिमम, तो इसका जो अर्थ क्या होता है, मिनिमम सीपी और मिनिमम CPM, इसका वास्तविक में अर्थ क्या होता है। देखो, आप यदि किसी को टारगेट कर रहे हो
तो टारगेट वाले ऑप्शन में आपके पैसे लग जाएंगे और गूगल का काम होता है सिर्फ ऐड देना, तो ये ऐड देगा। तो हम लोग मिनिमम पे करेंगे यानी पर व्यू पे करेंगे, यदि हमारा ऐड कोई देखेगा तभी हम वो पैसे वो पे करेंगे। तो मैं आपको इस वाले ऑप्शन का है वो सजेशन करूंगा कि ये वाला ऑप्शन ही बेटर है, ये हमेशा है वो चुने। अब अपने आते हैं यहाँ पे कैंपेन पर, टोटल इस कैंपेन पे आप टोटल पैसे हैं वो कितना खर्च करना चाहते हो, ठीक है। और यहाँ पे आप है वो सेलेक्ट कर लेना डेली के लिए, डेली, ये डेली वाले ऑप्शन पे मैंने क्लिक कर लिया। अब आप डेली के इस कैंपेन पे कितने रुपए हैं वो इन्वेस्ट करना चाहोगे, तो मैं मान लो कि 200 रुपए है वो रोज के इस जो कैंपेन मेरा चलेगा उसमें मैं 200 रुपए पर डे लगाऊंगा। यहाँ पे डेट एंडिंग डेट नहीं करनी क्योंकि जितना ज्यादा समय के लिए हमारा एड चलेगा उतना ज्यादा हमारे पास है व्यूज आएंगे, तो मैं एंड टाइम है वो नहीं लिख रहा हूँ। तो स्टार्टिंग टाइम मैंने दे दिया है, एंडिंग टाइम मैं नहीं दे रहा हूँ क्योंकि मेरा कैंपेन है वो ज्यादा देर तक चलेगा तो मुझे अच्छे व्यूज मिलेंगे। चलिए तो नेक्स्ट बात करते हैं नेटवर्क के अंदर। तो नेटवर्क के अंदर आपको एक तो मिला है यूट्यूब सर्च रिजल्ट के अंदर, पड़ेगा यूट्यूब वीडियो, तो हम लोग यूट्यूब वीडियो है और उसमें सर्च रिजल्ट में भी करेंगे। लेकिन लास्ट वाला जो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है पार्टनर वाला, तो इसको हम लोग क्या कर देंगे यहाँ से हटा देंगे और इसको है आगे लेवल पर चलेंगे। तो चलिए नेक्स्ट लेवल पर देखते हैं लैंग्वेज। तो आप जो वीडियो है वो कौन सी लैंग्वेज में बनाते हो वो यहाँ से आप देख लेना, जैसे मेरे वीडियो हिंदी लैंग्वेज है तो मैं हिंदी है वो सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये हिंदी लैंग्वेज आ गई मैंने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। उसके बाद कंट्री, आप कौन सी कंट्री के अंदर ऐड देना चाहते हो, तो इंडिया में देना चाहते हो तो इंडिया वाला ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, और अदर लोकेशन पर भी आप किसी भी लोकेशन को टारगेट कर सकते हो। जैसे मान लो कि मुझे राजस्थान में करना है तो मैं लिख दूंगा राजस्थान, तो आप देख रहे हो ऊपर आ गया राजस्थान इंडिया स्टेट, तो मैं इसको टारगेट कर देता हूँ। तो अब मेरा जो कैंपेन चलेगा यानी ऐड चलेगा वो सिर्फ और सिर्फ राजस्थान के अंदर चलेगा। तो चल अब आगे देखते हैं, उसके बाद इस वाले ऑप्शन पे देखते हैं आपको क्या करना है। तो ये जो टाइप आपको दिखाई दे रहा है इस टाइप में हम लोगों को है वो फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है वो सेलेक्ट करना है और उसके बाद यहाँ से हटा देना है। फिर अपने आगे देखेंगे तो यहाँ पे हम लोग है वो सेलेक्ट करेंगे, तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ लाइव स्ट्रीम के अंदर कर देता हूँ और ये वाला जो है उसको हटा देता हूँ। चलिए आगे देखते हैं, तो ग्रुप हम लोग बाद में क्रिएट करेंगे, उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे हम लोगों को डेमोग्राफी के अंदर हम लोगों को उन लोगों को चूज़ करना है जहाँ जिन लोगों के पास हम लोग ऐड पहुँचाना चाहते हैं, उनकी एज क्या होनी चाहिए, मेल या सिर्फ फीमेल के पास पहुंचाना चाहते हैं या सिर्फ मेल के पास पहुंचाना चाहते हैं, वो यहाँ आप अपने हिसाब से सेट कर लेना। जैसे मेरे टेक्निकल से रिलेटेड वीडियो हैं तो मैं यहाँ तक ही पहुंचाना चाहूँगा, और उनका जो हाउसहोल्ड इनकम कितना होना चाहिए वो आप अपने हिसाब से वो देख लेना। तो चलिए अब नेक्स्ट पर क्लिक कर चेक करते हैं। अब ऑडियंस की बात करें तो आपको किस टाइप की है वो ऑडियंस चाहिए, ठीक है, या आइडियाज़ के अंदर आप अपने चेक कर सकते हैं। मोबाइल से रिलेटेड कर देता हूँ मैं, यहाँ ब्राउजिंग में आता हूँ टेक्निकल, ये रहा टेक्नोलॉजी, तो मैं टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जितने भी हैं उनको सेलेक्ट कर लेता हूँ। कंप्यूटर से रिलेटेड मेरे वीडियो हैं, सॉफ्टवेयर से कंप्यूटर, ये रहा, ठीक है। तो मैंने वो यहाँ पे वो ऑडियंस सेलेक्ट कर लिया कि इन लोगों के पास मेरा वीडियो है वो पहुँचना चाहिए, तो आप अपने हिसाब से जैसे वीडियो है उस हिसाब से सेलेक्ट कर लेना। कीबोर्ड के अंदर बात करते हैं तो आप यहाँ पे कुछ लाइनें दे सकते हैं या इसको खाली भी छोड़ सकते हैं, कुछ कीवर्ड लाइन देना चाहो तो आप दे सकते हो यहाँ पे, नहीं दो तो छोड़ सकते हो। फिर रहा बात टॉपिक, तो आपका जो टॉपिक है वो किस टाइप का है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेना, तो मेरा है वो कंप्यूटर से रिलेटेड है। चलिए अब आपको यहाँ पर क्या करना है, आप पर व्यूज़ पर कितना पे करना चाहते हो वो यहाँ पे सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे कम से कम आपको 10 पैसे से वो स्टार्ट करना है कैंपेन, ताकि आप गूगल ऐड को बोल रहे हो कि 10 पैसे में यदि वो आपको व्यूज़ दे रहा है तो ठीक है, नहीं दे रहा है तो हम लोग यहाँ से थोड़ा बढ़ा देंगे, यदि ऐड हमें मिल रहे हैं तो इसे थोड़ा कम कर देंगे। तो चलिए आगे चलते हैं। अब आपका जो वीडियो है वो उसका लिंक यहाँ पे देना है जिस पर हम लोग ऐड देना चाहते हैं। जैसे मैं इस वीडियो का ऐड देना चाहता हूँ, मैंने यहाँ से लिंक कॉपी किया और यहाँ पे है वो पेस्ट कर दिया, तो इस वीडियो का मुझे लिंक मिल गया। तो आप इसको स्केबल करना चाहते हो या सिर्फ डिस्कवरी में करना चाहते हो, तो मैं स्केबल स्कीप नहीं करूँगा क्योंकि आप यूट्यूब पे देखते होंगे वीडियो जब चलाते हैं तब आपके एक ऐड आता है जिसको हम लोग 5 सेकंड या 6 सेकंड के बाद में स्कीप कर देते हैं, तो वो ऐड थोड़े महंगे होते हैं, तो वो ऐड मैं न दे के वीडियो डिस्कवरी ऐड में दे देता हूँ, ताकि इस टाइप से शो होगा मेरा ऐड है वो आपको स्क्रीन के ऊपर है वो आपको ऐसा कुछ दिखाई दे रहा होगा इस टाइप में, यदि डेस्कटॉप में दिखाई देगा तो वो इस तरीके से दिखाई देगा।
अब यहाँ पे आपको एक सेटिंग दिखाई दे रही होगी, तो वो सेटिंग भी आपको कर लेनी है। सबसे पहले इसके अंदर करना है, तो इस सेटिंग में भी आप लोग क्या करोगे, आपका ऐड है वो कहाँ कहाँ दिखाना चाहते हो। तो मैं, मेरा ऐड है वो सिर्फ मोबाइल फ़ोन पे शो करूँगा, कंप्यूटर पे भी नहीं करूँगा, क्योंकि आज के टाइम में सबसे ज़्यादा यूज होता है तो स्मार्टफोन ही यूज होता है। तो आप भी, मैं भी आपको रिक्वायरमेंट करूँगा कि मोबाइल पे ही ऐड दें, क्योंकि ज़्यादातर यूज़र्स हैं वो मोबाइल ही यूज करते हैं। इन पे आप दोगे तो इतना गुड़ नहीं होगा, तो आप व्यूज़ भी मिल जाएंगे आपको, लेकिन उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं आएगा। इससे बेटर है कि मोबाइल पे ऐड दें। तो मैंने सेलेक्ट कर लिया यहाँ पे कि मुझे सिर्फ वो इस पे ऐड देना है, ठीक है। ऐड है वो बाद में करेंगे, बाकी आपको मैंने यहाँ पे सारा सब कुछ बता ही दिया है। ये सेटिंग आपने कर ही ली, ऐड आपको मोबाइल पे जो ऐड है वो आपका ऐसा ऐड शो होगा। अब बात करते हैं हेडलाइन की, हेडलाइन क्या देंगे आप। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, वीडियो की जो हेडलाइन है वो कॉपी करता हूँ और यहाँ पे ला के पेस्ट कर देता हूँ। ध्यान रहे यूट्यूब किसी ब्रांड का नाम यहाँ पे नहीं आने देगा, और हैशटैग या इमोजी आप किसी भी टाइप का लगाते हो वो भी अलाउ नहीं है यहाँ पे। तो रेड लाइन आ जाएगी यदि आप ऐसा कुछ लिखते हो। तो यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो कि वीडियो कंप्रेस कैसे करें। तो मैं दे दूँगा वीडियो, यहाँ पे मैं लिख दूँगा क्यू प्ले, और यहाँ पे वो सेम टू सेम है वो मैं पेस्ट कर दूँगा। तो VLC प्लेयर मेरे को हटाना पड़ेगा, आप बहुत सारे नहीं दे सकते, किसी ब्रांड का नाम नहीं दे सकते हो। तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो किसी भी टाइप के, जैसे इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, इस टाइप के नाम आप यहाँ पे नहीं दे सकते हो और अलाउ भी नहीं होगा। तो ये देखिए, ये आपका कैंपेन है वो क्रिएट हो गया है, और जैसे आप यहाँ पे कंटिन्यू करोगे तब आपका जो कैंपेन है वो यहाँ पे लग जाएगा, ये देखिए। और यदि आप इस ऐड को बंद भी करना चाहते हो कि मैंने गूगल ऐड पे ऐड लगा दिया है, आप मुझे उसको यहाँ से बंद करना है, तो आप यहाँ से उसको बंद भी कर सकते हो। कैसे बंद करोगे, यहाँ पे आपको पूरी ऊपर ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इसे आप यहाँ पे पोज करके जो ऐड आपने लगाया है तो उसको बंद कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे अभी कैंपेन है वो पेंडिंग है। तो जैसे आपको लग रहा है कि आपका ऐड नहीं लग रहा है तो आप यहाँ पे आके पैसे कुछ बढ़ा देना, ठीक है, और ऐड आ रहा है तो कुछ कम कर देना। तो दोस्तों, इस प्रकार से आप अपने YouTube चैनल को है वो बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से वो प्रमोट कर सकते हो। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, आपको नॉलेज मिल रहा है, तो दोस्तों एक लाइक तो बनता है। यदि आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को है वो सब्सक्राइब है वो जरूर करें। धन्यवाद।